हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीट इन्फोटेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगिन पेज बनाना, और लॉगिन पेज को थोड़ा एट्रैक्टिव तरीके से हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉलम, रो, पैडिंग, मार्जिन, ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ में लेंगे लॉगिन पेज बनाने के टाइम पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लॉगिन पेज की डिज़ाइन हम लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था एज इट इज़ वही कोड है, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, यानी डेस्क, ठीक है। यहाँ से अभी मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या है कि आपको थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा कि क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा। ओके, तो जो लास्ट में एप्लीकेशन थी वो ये है, जो हमारी लास्ट में लिस्ट व्यू थी। यहाँ पे देखो, मैंने लॉगिन नाउ करके एक बटन दे दिया है। वो बटन में कोड इतना ही कोड किया हुआ है, कॉलम ले लिया है, कॉलम के अंदर कंटेनर लिया है, और दूसरा भी कंटेनर, दो कंटेनर है। एक कंटेनर में मेरी लिस्ट व्यू है, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें ऊपर लॉगिन नाउ लिखा है, और ये लिस्ट व्यू है, ठीक है, वो सेकंड कंटेनर में है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो लॉगिन नाउ मेरा बटन मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव कर देते हैं। तो स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट की स्टाइल देनी है, तो टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में हम देंगे फॉन्ट का कलर, तो कलर कलर्स डॉट वाइट, और दूसरा दे देते हैं हम फॉन्ट का वेट दे देते हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा बोल्ड टाइप लगेगा हमें, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, दूसरा हम देंगे फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट की साइज जो रहेगी वो है फॉन्ट साइज, ये तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं 18। तो देखिए ये है, इसको मैं सिंपली रन करता हूँ तो किस तरीके से दिखेगा। ये इसको रन किया और यहाँ पर देखते हैं क्या इफेक्ट आएगी, ठीक है। देखो, लॉगिन नाउ बढ़िया तरीके से हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉगिन नाउ लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करवाना है। तो क्लिक करवाने के लिए जो कंटेनर है उसके ऊपर हमें एक विगेट ले लेना है। विगेट हम लेंगे इंकवेल, जिसके अंदर हमें ऑन टैप का फंक्शनैलिटी मिल जाएगा। इंकवेल, WWL इंकवेल, हाँ, इसमें क्यों एरर आ रही है, इंकवेल का W कैपिटल रहेगा। यहाँ पर ऑन टैप, ऑन टैप के अंदर हम देने वाले हैं लॉगिन पेज डिज़ाइन, ठीक है, लॉगिन पेज डिज़ाइन। लेकिन ये इस तरीके से तो मूव होने वाला नहीं है लॉगिन पेज डिज़ाइन देके। हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो नेविगेटर के लिए, नेविगेटर के लिए है नेविगेटर, थोड़ा सा सर्चिंग कर लेते हैं नेविगेटर का। तो आपको मैं उसके अंदर पुश, रिप्लेस, रिप्लेस नेम, ये सारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। नेविगेटर फ्लटर, देखिए नेविगेट टू न्यू स्क्रीन, मतलब नई स्क्रीन में जंप करने के लिए नेविगेटर यूज़ होता है। इसके अंदर हमें दिया हुआ ही होगा, ये रहा नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, और सेकंड राउट लिखा है वो हमारी न्यू स्क्रीन का नेम है।
हम लॉगिन डिज़ाइन को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर कर यहाँ पर लगा देंगे और इसका एक नया पेज बनाएंगे लॉगिन पेज डिज़ाइन करके, ठीक है। तो वो पेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन पेज की डिज़ाइन, एक डार्ट फाइल लेंगे लॉगिन पेज डिज़ाइन, यहाँ पर से हाँ। अब सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। एक स्टेटफुल विगेट ले लेंगे, और स्टेटफुल विगेट के अंदर जो हमारा क्लास का नाम है वो दे देंगे। अब कंटेनर है तो सिंपली हम पहले तो क्लिक करके देखेंगे कि हाँ हमारा जो चीज़ है वो वर्किंग है या नहीं है। तो ये कंटेनर को निकाल कर यहाँ पर स्केफोल्ड ले लेंगे, ठीक है। स्केफोल्ड ले लिया हमने, स्केफोल्ड के अंदर हमारा आएगा एक तो एप बार आएगा और दूसरा आएगा बॉडी। स्केफोल्ड का स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है मुझे, स्केफोल्ड स्केफोल्ड, अच्छा FOLD आएगा, मैंने ई लगा दिया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एप बार, तो एप बार के अंदर क्या करेंगे, एप बार के अंदर एप बार और उसके अंदर हम देंगे टाइटल। टाइटल में हमें क्या देना है, देना है लॉगिन पेज, ठीक है लॉगिन पेज। टाइटल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टाइटल के लिए हमें लेना पड़ेगा टेक्स्ट विगेट। तो टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, हाँ जो हमारा दूसरा है वो है बॉडी, और बॉडी के अंदर हम ले लेंगे डायरेक्ट कंटेनर, कंटेनर ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम उसका कलर चेंज करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हमारा जो कोडिंग है वो अप्लाई हुआ है या नहीं। तो इसको कर देते हैं लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। सिंपली इसको रन करते हैं, क्या एरर आ रही है यहाँ पर, अच्छा इसको इंपोर्ट करना है लॉगिन पेज डिज़ाइन वाली स्क्रीन को, इंपोर्ट कर दिया। अभी हॉट रिलोड, हॉट रिलोड करने के बाद में आप देख पाओगे, अब मैं यहाँ पर लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है लॉगिन नाउ। अच्छा देखो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा जो नेविगेटर है वो यूज़ हो रहा है। अभी बैक की पे प्रेस करूँगा तो दोनों वर्किंग है। हाँ अब हमें क्या करना है, ऊपर जो लिस्ट व्यू दिया हुआ है वो निकल जाना चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो लिस्ट व्यू कहाँ से आ रहा है, हमारे लॉगिन पेज डिज़ाइन में, लॉगिन पेज डिज़ाइन के अंदर लिस्ट व्यू यहाँ से आ रहा है मेन डॉट डार्ट के अंदर से, तो वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और मेन डॉट डार्ट को हम दे देते हैं स्केफोल्ड की जगह पर मटेरियल, मटेरियल पेज दे देंगे, मटेरियल पेज, मटेरियल पेज क्यों नहीं आ रहा है, मटेरियल ऐप, हाँ मटेरियल ऐप, ठीक है। तो मटेरियल ऐप के अंदर बॉडी नहीं आएगी, वहाँ पर आएगा होम, होम आएगा, हाँ। अब इसको सिंपली मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखो कितना बढ़िया हो गया हमारा लॉगिन का टाइटल आ चुका है। और मटेरियल ऐप के अंदर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ही आ रहा है, अच्छा तो इसको क्या करना है हमें, इसको हमें कुछ भी नहीं देना है, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, डायरेक्ट लॉगिन पेज को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, नहीं मटेरियल पेज को रहने दो और यहाँ पर लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ पर देखो हमने जो दिया है स्केफोल्ड दिया हुआ है, तो स्केफोल्ड के नीचे हम एक ऐप बार ले लेंगे,
एक बार के अंदर टाइटल दे देंगे कि ये हमारा लिस्ट व्यू वाला पेज है, ठीक है। टाइटल, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिस्ट व्यू लिख सकते हो। जैसे इसको सेव करेंगे, देखो लिस्ट व्यू लॉगिन नाउ, जो लॉगिन नाउ फ्रेंड्स आपको दिख रहा है वो हमारा बटन है, ये देखो लॉगिन नाउ और लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हमारा एक बार है और लॉगिन नाउ बटन है। अब मैं सिंपली लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कैसे एकदम बढ़िया तरीके से लॉगिन पेज लिखा हुआ आ चुका है। डबल डबल नहीं हो रहा है हमारा, एक बार पहले डबल हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इस पेज में, लॉगिन पेज की डिज़ाइन करने वाले हैं। तो लॉगिन पेज की डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमने बैकग्राउंड दे दिया है। अब इसके अंदर हम लेंगे एक चाइल्ड ले लेंगे, चाइल्ड के अंदर हम लेने वाले हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम, कॉलम, कॉलम लेने के बाद में यहाँ पर एक चिल्ड्रन लेंगे, चिल्ड्रन को विगेट से ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लिख देंगे। तो क्या है कि इसके अंदर हम सारे विगेट यूज़ करने वाले हैं। ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट लो, अच्छा हाँ कांस्टेंट। तो अभी लॉगिन पेज में हमें किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं कि सिंपल और अच्छा दो चीज़ दिखे ऐसा बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ ऊपर के साइड पे एक लोगो ले लेंगे, नीचे एंटर मोबाइल नंबर और उसके नीचे एंटर योर पासवर्ड, उसके नीचे लॉगिन नाउ का बटन, इतना बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं इमेज व्यू, इमेज डॉट नेटवर्क, और यहाँ पर नेटवर्क की इमेज रख देंगे। तो कोई एक अच्छी सी नेटवर्क इमेज देख लेते हैं। हम एप्लीकेशन बना रहे हैं बिटकॉइन की, ठीक है। तो बिटकॉइन की एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक बिटकॉइन का पीएनजी आइकन ले लेते हैं, पीएनजी आइकन चाहिए फ्रेंड हमें, एक पीएनजी आइकन। तो पीएनजी में क्या रहेगा, बढ़िया तरीके से रहेगा, उससे बेटर है हमारा ही कोई हम लोगो यूज़ कर लेते हैं। ये लोगो यूज़ कर लेते हैं, ये पीएनजी है एकदम, देखो हाँ बढ़िया पीएनजी है। इसको सेव नहीं करना है हमें, डायरेक्ट लिंक उठा लेना है, लिंक उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने पर क्या हो रहा है, एरर आ रही है, एरर में आ रहा है कैन नॉट इन्वोक नॉन कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर वेर यू कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इज एक्सपेक्टेड। अच्छा कॉन्स्ट चाहिए ऐसा बोल रहा है, ये भी नहीं, ये क्या बता रहा है, फैक्ट्री चिल्ड्रन के अंदर ये नहीं ले सकते हैं हम कॉन्स्टेंट। हाँ देखो हमारा स्क्रीन के अंदर ये लोगो आ चुका है, एकदम बढ़िया तरीके से आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ देंगे, पहले तो फ्रेंड्स इसको कलर नहीं देना है, कलर तो सही है, इसको विड्थ दे देंगे हम 200 पिक्सल, देखते हैं कैसा दिखेगा 200 में, पूरा स्क्रीन ही छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। एक कंटेनर है, ये कंटेनर का विड्थ दे देते हैं हम लोग, कंटेनर का वेट दे देते हैं मीडिया क्वेरी से। यहाँ पर आपको मीडिया क्वेरी भी बहुत यूजेबल होने वाली है, मीडिया क्वेरी, डॉट ऑफ
डॉट साइज डॉट विथ, ठीक है, इतना करेंगे तो क्या होगा, पूरा विथ में आ जाएगा, जितना स्क्रीन का विथ है वो ले लेगा। अब यहाँ पर हमें देना है कॉलम को मार्जिन, तो कॉलम को तो मार्जिन नहीं दे सकते हैं, पर ऊपर थोड़ा सा तो मार्जिन चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक कंटेनर, कंटेनर उसका हाइट दे देना है मुझे 50 और कॉमा, देखते हैं अभी कैसा दिखेगा। एकदम बढ़िया पोजीशन में आ चुका है हमारा लोगो। अब फ्रेंड्स इसके नीचे हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे हमें कर लेना है एक टेक्स्ट विगेट, टेक्स्ट इनपुट फॉर्म, टेक्स्ट इनपुट फॉर्म लेने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आप लोगों के साथ ही लर्न ही कर रहा हूँ। टेक्स्ट इनपुट इन फ्लटर, तो क्या है कि इसको आप इसको मतलब सर्चिंग भी आपका पावरफुल होगा कि सर्च किस तरीके से करेंगे। ये देखो टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं, हाँ टेक्स्ट फील्ड ही लेना है हमें, बस टेक्स्ट फील्ड लेके कंट्रोल एस करना है और देखना है हमारे स्क्रीन में किस तरीके से ये दिख रहा है। अच्छा बढ़िया तरीके से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, इसको हम थोड़ा एट्रैक्टिव बना देंगे। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इसका क्या यूज़ है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, अच्छा इसके अंदर आउटलाइन नहीं आ रही है, देखो इसके अंदर आउटलाइन नहीं आ रही है। और हमारा जो पेज है वो पेज का बैकग्राउंड कलर हम लोग वाइट कर देते हैं ताकि वो जो डिफ़ॉल्ट कलर है हमारे थीम का वो एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ हो पाए। हाँ देखो हमारा लोगो चला गया, लोगो का कलर चेंज करना पड़ेगा अभी वापस से, कलर्स, ये PNG इमेज है इसकी वजह से आपका लोगो का कलर बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो जाएगा, अदरवाइज PNG इमेज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा आपका। एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है फ्रेंड्स, देखो हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब इसको दूसरा भी ले लेते हैं, खाली जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और फर्स्ट में लिखना है एंटर योर यूज़र नेम, सेकंड के अंदर लिखना है एंटर योर पासवर्ड, कंट्रोल एस करते हैं, देखो क्या आ रहा है, दोनों लाइन आ चुकी है, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अंडरलाइन की जगह पे हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो आउटर लाइन कुछ दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, आउटर लाइन में मना बोल रहा है भाई, लेबल नहीं आता है तो क्या आता है, बॉर्डर रेडियस आएगा, बॉर्डर साइड आएगा, बॉर्डर और गैप पेडिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें तो लेबल वाला ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, अंडर लाइन बॉर्डर आउटर लाइन, आउटर लाइन में क्या आएगा, हाँ ये लेबल आना चाहिए, बस यही मेन है, यही चाहिए था हमें। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर पेडिंग दे देंगे, 50 का तो नहीं देंगे, 30 का दे देते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है। तो ऊपर वाले को भी सेम यही कर देते हैं, तो क्या है कि दिखे थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, हाँ दिख रहा है हमारा जो लॉगिन पेज है वो बढ़िया तरीके से शो हो रहा है। अब क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड से भी फ्रेंड थोड़ा सा दे देना, ये भी नहीं सही लग रहा है, थोड़ा लेफ्ट राइट साइड, तो कंटेनर जो है तो कंटेनर के अंदर मैं सोच रहा हूँ पेडिंग यूज़ कर लूँ, तो पेडिंग में एड्ज डॉट इंसेट डॉट ऑल, सारी जगहों पे से हमें पेडिंग देना है 10 का, देखते हैं कैसा दिख रहा है,
तो और भी बढ़िया दिख रहा है। और दोनों के बीच में से थोड़ी सी स्पेस कम कर देनी है, 20 रख देना है, और लोगों के बीच में और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बीच में भी स्पेस दे देना है, ठीक है। हाँ, देखो कुछ इस तरीके से हमारा शो हो रहा है। बढ़िया है। यूज़र नेम लिखता हूँ मैं, यूज़र नेम, पासवर्ड में पासवर्ड। फ्रेंड्स ये पासवर्ड के अंदर हमें ऐसा नहीं चाहिए, पासवर्ड के अंदर हमको चाहिए कि इज सिक्योर करके, इसके अंदर एक सिक्योर लाइब्रेरी आती है, ऑप्शन टेक्स्ट में ट्रू कर देना है, ऑप सिक्योर। हाँ, ऑप सिक्योर के अंदर ट्रू कर दिया। देखो ये डॉट डॉट में हमारा पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे क्या है, आगे का हमारा जो काम है वो है लॉगिन नाउ बटन। तो एक कंटेनर ले लेंगे बढ़िया से। कंटेनर लेने के बाद में इसको नीचे पेस्ट, और एक दूसरा कंटेनर उसके नीचे ताकि स्पेस रहे सबके बीच में। कंटेनर के अंदर हम डेकोरेशन दे देते हैं सेम इसी चीज़ की, ठीक है। कंटेनर में भी डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको निकाल देते हैं, डेकोरेशन कंटेनर का आउटलाइन, इनपुट बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, डेकोरेशन ही करना है। डेकोरेशन बॉक्स को रेडीमेड ढूंढ लेते हैं, इतना कौन करेगा भाई। कंटेनर डेकोरेशन इन्फ्लेटर, सिंपली इतना आपको सर्च करना है तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में तो क्या है कि हम हमारे हैंड से मॉडिफाई कर लेंगे उसको। डेकोरेशन के अंदर ये रहा बॉक्स डेकोरेशन, उसके अंदर यहाँ तक है, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं पूरा। हाँ, अब इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इसके अंदर इमेज आ रही है बढ़िया से। अब हमें इमेज नहीं चाहिए, इमेज की जगह पर हम कर देते हैं चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चाइल्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं टाइटल भी नहीं, इमेज ले रहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर नहीं चाहिए हमें, इमेज नहीं चाहिए, इमेज का कोई काम नहीं। विथ को 1 कर देते हैं, और ब्लैक कलर को करते हैं हमारा कयान कलर, कयान नहीं, कयान कलर, ठीक है। और ये कलर को भी कैन कलर ही कर देंगे। अब क्या होगा, हमारे कंटेनर का थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। अरे वाह, एकदम बढ़िया दिख रहा है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हमें खाली लिखना है लॉगिन नाउ, तो चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट में लेना है लॉगिन नाउ, देखते हैं कैसा दिखेगा। साथ में आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर हमने दिया था मीडिया क्वेरी, सेम यही चीज ले लेना है। तो वो एनी टाइम क्या है, हाँ, पर लॉगिन नाउ को लेना है हमें बीच में। तो यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट अलाइन, अंदर नहीं दे सकते, इसको बाहर देना पड़ेगा, अलाइन को, अलाइनमेंट, उसके अंदर देंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर,
एरर आ चुकी है बहुत सारी। यहाँ पर आएगा टेक्स्ट लाइन, अलाइन ही आएगा फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है वो, देखते ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, बारी लिखा जाता है पक्का, मुझे पता है बार लिखने के अंदर अलाइनमेंट में अलाइन। डॉट सेंटर, हाँ अलाइनमेंट आएगा खाली, देखो सेंटर में आ चुका है हमारा अलाइनमेंट। अब इसको हम यहाँ पर देंगे स्टाइल थोड़ा सा, कौन सा टेक्सटाइल, इसका स्टाइल रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम लोग दे देते हैं 22 का, और फॉन्ट वेट देना है, फॉन्ट का वेट क्यों नहीं ले रहा है भाई, अच्छा स्मॉल में लिखना था फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट ले ले भाई, ले ले बोल्ड कर दो हमारे फॉन्ट को। अब देखते हैं कैसा, अरे बाप रे बहुत बोल्ड हो गया 18, वो ब्लैक कलर है उसको भी कम कर देते हैं, कम नहीं सॉरी चेंज कर देते हैं, कलर्स टू वाइट, कलर में मजा नहीं आ रही है, कलर हमको देना पड़ेगा लाइट ब्लू, तो व्हाइट कलर का थोड़ा हाँ लुक आएगा। देखो फ्रेंड्स ये हमारा लॉगिन पेज बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है, जो आज का हमारा टॉपिक था कि एक बढ़िया से लॉगिन पेज किस तरीके से बनाए, तो ये है हमारा लॉगिन पेज। अभी आपको यहाँ पर और भी एडिशनल करना है थोड़ा सा, कि भी लॉगिन नाउ तो दे दिया है लेकिन जिसके पास अकाउंट नहीं है वो क्या करेगा, हाँ तो वो नया अकाउंट बनाएगा, तो वो नया अकाउंट बनाने के लिए हमें नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखेंगे, लॉगिन बटन के नीचे डायरेक्ट टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट के अंदर लिख देना है हमें कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है इसको भी देख लेते हैं कैसे आ रहा है, देखो एकदम परफेक्ट आ चुका है क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यू डोंट क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, यू डोंट हैव अकाउंट देन क्रिएट न्यू अकाउंट, देखो हो गया इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे जो अगला अगला वीडियो है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, क्या करेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ जो भी टॉपिक है आपके पास, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम लोग वैलिडेशन देखेंगे, और दूसरा दूसरा क्या करेंगे आप बता दो, एक तो वैलिडेशन करने वाले हैं, वैलिडेशन करके डैशबोर्ड पे जाएंगे, और वहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं नेविगेशन ड्रॉवर बना देंगे, नेविगेशन ड्रॉवर बना के डिफरेंट डिफरेंट पेज के ऊपर किस तरीके से जंप करेंगे वो लर्न कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए मुझे, चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है मुझे, और बस खाली आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।